बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सरसब्ज़ पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखार उल हसन। नाज़रीन, आज मेरे साथ मेरे जो मेहमान हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत पंजाब जनाब हुसैन जहानिया गदेज़ी साहब, ख़ुद काश्तकार हैं, ज़राअत की तालीम हासिल की है, जिस तरह कहते हैं राइट जॉब फॉर राइट मैन, इसी हवाले से ये पंजाब का पहले वज़ीर हैं जो ज़राअत ख़ुद पढ़े हुए भी हैं और प्रैक्टिकली ज़राअत भी करते हैं। इनसे बात करते हैं कि इस हुकूमत में आपको ज़राअत का कलमदान जो है वो सौंपा गया है और आप ख़ुद काश्तकार भी हैं और ज़रई तालीम भी आपने हासिल कर रखी है, तो किस तरह पाकिस्तान की ज़राअत बेहतर हो रही है और किस तरह आप बेहतर करेंगे, क्या आपके पास फ्यूचर प्लान है, इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और पाकिस्तान की मईशत का इन्हिसार भी ज़राअत पर है, और ज़राअत एक ऐसा शोबा है जो आप पूरी कौम की होप है। ये एक ऐसा शोबा है जिससे हम अपने कर्ज़ों से भी जान छुड़वा सकते हैं, मुल्क को खुशहाल भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या इकदाम करें ताकि ये जो खुशहाली है इस मुल्क की मुकद्दर बने, इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। हुसैन जाने के साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ जी लाए। आपको पहले तो मुबारक हो कि आपने कलमदान संभाला ज़राअत का, और आप एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं और बड़ी खुशी है, और किसानों पर आपको, किसान जो है पाकिस्तान का, वो आप पर बड़ा बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता करके बैठा है, तो आप किसानों को आज बताएंगे कि आप क्या प्लान लेके आए हैं, अब तक आप अपनी क्या कारकर्दगी आप दिखा सकते हैं और फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं। माजी में जो देखते रहे तो हम समझते थे शायद हमारा तरीकाकार ही ऐसा है कि जो जिस फील्ड का माहिर हो उसकी वजारत उसको ना दी जाए, दूसरे फील्ड की दी जाए। लेकिन इस दफ़ा हाँ, ये खुशकिस्मती ये है, पिछले बिल्कुल ठीक है, नवंबर में 2.5 साल गुजरने के बाद आपको फिर कलमदान दिया ये गया। कलमदान मुझे मिला है, और उस वक्त से बीच में कोई 1.5 महीना तो कोविड ने जी ज़ाया बिल्कुल कर ऐसे दिया ही, मेरा। बिल्कुल ऐसे ही, मैं हॉस्पिटलाइज रहा हाँ, और खुद आपको कोरोना हुआ, जी जी बिल्कुल जी ऐसे ही। लेकिन उसके बावजूद बाकी का हमने जो मेहनत शुरू की, आते साथ मैंने पहला काम तो ये किया कि गंदम की बिजाई पे तवज्जो दी, वो टाइम था पी बिल्कुल बिजाई और का, इस दफ़ा अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि गंदम टाइम से बीजी गई और इस साल एकरेज में भी इजाफा हुआ अच्छा गंदम आप की। समझते हैं इस दफा जो गंदम की शॉर्टेज है खत्म हो जाएगी, इंशाल्लाह अगर दाएं बाएं ना निकली तो शॉर्टेज नहीं होगी। नहीं ये दाएं बाएं की बात आप कह रहे हैं, दाएं बाएं रोकना भी तो आपका काम है। रोकना एक हद तक मेरा काम है, लेकिन बॉर्डर्स को सील करना तो मेरा काम नहीं है ना। अच्छा, इस पर आप अपनी तजावीज़ तो जी ज़रूर देंगे जी ना गवर्नमेंट तजावीज़ को। देंगे इंशाल्लाह, अच्छा, कोशिश करेंगे। और कितने मैं एकड़ पर गंदम आपको काश्त हुई है पंजाब में आप टोटल? गंदम जो है आम तौर पे हमारी जो एवरेज निकलती है वो 6 मिलियन एकड़ पे ठीक गंदम है, काश्त होती है, और इस साल अल्लाह के फजल से 6.5 मिलियन एकड़ पे गंदम अच्छा, काश्त पॉइंट हुई है, फाइव का इजाफा हुआ है। 0.5 का इजाफा हुआ है। और खुदा करे कि मौसम भी साजगार रहे तो आमीन, इंशाल्लाह गंदम की पैदावार बेहतर होगी। क्योंकि ये एक बड़ा एक ऐसी चीज़ है जी कि जितनी मर्जी ज़राअत में इनकलाब आ जाए, जब आप गंदम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो लोग आपकी वज़ारत पर और इस शोबे पर उंगली ज़रूर उठाते हैं कि जी जी पाकिस्तान एक बिल्कुल ज़रई मुल्क है बिल्कुल और सही गंदम बाहर बात से। है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और यहाँ पे गंदम की पैदावार कम होना, या पिछले साल जैसे एकरेज कम थी फिर यील्ड भी थोड़ी कम आई, तो पिछले कुछ सालों से गंदम की जो ज़मीन थी वो कम होती जा रही है, कम हुई और वो गन्ने ने कुछ ले ली। कुछ क्रॉप्स होती है ना जिनकी दूसरी क्रॉप के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है, और कुछ क्रॉप होती है जिनकी नेगेटिव नेगेटिव है। कोरिलेशन होती है। तो पहले जैसे आप जानते हैं कि हमारे खित्ते में कपास हुआ करती थी, तो कपास की गंदम के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन थी कि क्योंकि एक कपास सीजन में काट कपास के होती थी, उसके और बाद फिर वीट दूसरे आ दूसरे जाना, सीजन में वीट आ बिल्कुल जाती है। ठीक है, जब कपास का एरिया गन्ने पे शिफ्ट हुआ तो न सिर्फ कपास का एरिया घटा, गंदम का एरिया भी साथ कम हो साथ गया। कम हुआ, क्योंकि हमारे इस एरिया में गन्ने की पैदावार काश्त ज्यादा हो गई, काश्त ज़्यादा हुई और कपास की काश्त कम होनी शुरू हुई। तो वो गन्ने से चूँकि एक साल की फसल है तो वो दूसरी उसकी जगह फसल गंदम काश्त हो नहीं उसकी सकती, जगह गंदम काश्त नहीं हो सकती, बिल्कुल ठीक है। और बल्कि 2 साल की फसल होती है
और कहीं रिटून में कहीं जाके थोड़ी बहुत गंदम काश्त होती है रिटून क्रॉप में, वरना ज़्यादातर गन्ने पे गन्ना ही होता है गन्ने सर। पे ठीक है, गंदम काश्त नहीं हो पाती। तो ये वजूहात थी जिसकी वजह से गंदम की हमारी अच्छा, आपने पिछले साल गंदम की बात पैदावार। की कि आपने इस दफ़ा 0.5 जो है ना उसका इजाफा हुआ है, लेकिन गंदम के काश्तकारों को खाद की अगर मैं बात करूं, खाद कंट्रोल रेट पर दस्तियाब नहीं है, खाद की कीमतें ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर खाद किसान नहीं दे पाएगा तो पैदावार में यकीनन उतना इजाफा नहीं होगा जितनी आप जी जी तवक्कोआत जी करके बैठे हैं। आप बजा कह रहे हैं। और खाद में एक प्रॉब्लम आई है हमें बैनुल अक्वामी तौर पे, क्योंकि फास्फेटिक फर्टिलाइज़र जितने भी हैं वो हमारे इम्पोर्ट होते हैं। हमारे यहाँ फास्फेटिक रॉक्स की काफ़ी कमी है, तो इस वजह से वो हम डिपेंडेंट होते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे और इंटरनेशनल मार्केट के रेट पे। और दूसरा, जो मैंने शुरू में बात की थी कि ज़राअत पे सही तवज्जो नहीं दी गई, उसका नतीजा एक ये भी निकला है कि हमारा जो एग्रीकल्चर है उसकी इम्पोर्टेड इनपुट्स पे डिपेंडेंस वक्त के साथ बढ़ती गई है। एक ठीक वक्त है, था जब हमारी इम्पोर्टेड इनपुट्स पे डिपेंडेंस लोकली हम मैनेज करते लोकली थे। हम मैनेज करते थे डिपेंड, और उससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम कम थी। थी। ठीक है, और उस जब इम्पोर्टेड इनपुट्स पे हमारा इन्हेसार होने लगा और जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती गई तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ उसके गई। साथ बढ़ती गई। तो ये खुद किफालत जहाँ हमें खुराक में चाहिए या ज़रई पैदावार में चाहिए, वहाँ हमें खुद किफालत ज़रई इनपुट्स में भी चाहिए। इनपुट्स बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसके लिए ताकि आपको इकदाम कर रहे हैं जी इनपुट्स के इसके लिए। लिए हम कोशिश देखिए, कर रहे इनपुट्स में हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र आती है, या अगर फर्टिलाइज़र हम में डीजल हमारा, की मैंने बात करें तो बताया डीजल बड़ा महंगा हो गया। डीज़ल महंगा हो गया, डीज़ल इम्पोर्टेड है। हाँ हम उसकी अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करनी चाहिए हमें। हमारे आज भी ये आधे ट्यूबवेल जो हैं वो, बल्कि आधे से ज़्यादा ट्यूबवेल डीजल पे चलता है, डीज़ल पे चलते हैं। तो इनको सोलर पे कन्वर्ट होना चाहिए। उनको सोलर पे कन्वर्ट होना चाहिए या उनको बिजली पे भी कन्वर्ट हो तो तब भी वो इंडिजिनस हमारा प्रोडक्ट है। इसी तरह हमारी जो हल चलाने का तरीका कार है, हल चलाने का तरीका कार हमारा एक रिवायती, वही हमारे पुराना, पास इम्प्लीमेंट्स जो है रिवायती किस्म के हैं। तो अब बाहर ट्रैक्टर एक दफ़ा जब चल रहा होता है तो वो चार चार ऑपरेशन साथ साथ इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करता हम बार चला बार जा रहा चक्कर लगाते है, हैं। हम बार बार करते हैं। बल्कि हमारा जो वो कल्टीवेटर है उससे तो ज़मीन चार दफ़ा ना उस हल चलाएं तो वो सही बनती नहीं है। अच्छा, ये लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी है, इसको मुतारफ करवाना भी तो हुकूमत का काम है ना, जी आपकी बिल्कुल जिम्मेदारी में बिल्कुल शामिल है, आपके महकमे की। बिल्कुल अब हम इस पे तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, और जैसे अब मैकेनाइजेशन है वो हमारा एक बुनियादी इशू है, जहाँ कुछ और बुनियादी इशू है, सीड बुनियादी इशू है, पावर बुनियादी बुनियादी है। इशू है, तो मैकेनाइजेशन भी हमारा ज़राअत के सेक्टर में ख़ास तौर पे बुनियादी इशू की हैसियत रखता है। और हमारे यहाँ ऐसी रिवायत रही है ना कि ये मशीनरी, हमारे यहाँ ट्रैक्टर जो आता है, आप अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद
अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसको मुझसे मोहब्बत अपने माँ बाप अपनी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा ना हो। लेकिन क्या वो हमारे लोकल ट्रैक्टर जो है इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट करते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपका अच्छा पॉइंट है, लेकिन इस पर भी आपको आवाज़ उठानी चाहिए। या हम मशीनरी जो है मशीनरी हम इंपोर्ट करें फ्रीली और वो कंपीट करें हमारे लोकल ट्रैक्टर बाहर के बने हुए ट्रैक्टर से, तो ये ज़रा मुश्किल मरहला, बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल मुश्किल मरहला है। तो इसलिए हमें उनको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उनसे भी बात करने की ज़रूरत है कि हमारे जो मशीनरी प्रोड्यूस हो रही है, जो ट्रैक्टर प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो उसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, प्राइस वाइज वो उसको कंपैटिबल होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो इम्प्लीमेंट्स हैं उन क्या हमारा जराई मशीनरी जिसे हम कहते हैं वो भी जदीद होनी चाहिए, वो जदीद होनी चाहिए, हम वो स्क्रैप से लेके उसको बना ठोका ठाकी करके तो उससे कोई चीज़ बना लें तो वो वक्ती तौर पे तो शायद सस्ती बन जाएगी लेकिन उसकी कोई लाइफ नहीं होगी, उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी और उसी हिसाब से उसकी एफिशेंसी नहीं होगी। अब मशीनरी ये आपने बात छेड़ी है तो अब मैं इसको थोड़ा सा ज़रूर बताएं। दुनिया में इस वक्त जो एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है पर्सियन एग्रीकल्चर। ठीक है, पर्सियन एग्रीकल्चर ठीक है, और वो पर्सियन एग्रीकल्चर उस वक्त आएगा जब आपके पास सोफिस्टिकेटेड मशीन नहीं होगी, सोफिस्टिकेटेड इम्प्लीमेंट्स होंगे, आपके पास सही काम करने वाली चीज़ें होंगी। अब एक बड़ा तजाद है ना, अब रूरल लेबर जो है, रूरल सेक्टर की अब इकॉनमी इस किस्म का उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है कि आप रूरल लेबरर को आप अर्बन लेबरर के जितना पे नहीं करते, वेज डिफरेंस दुनिया में होता है, रूरल अर्बन वेज डिफरेंस एक, लेकिन इतना नहीं होता जितना हमारा, हमारे यहाँ ज़्यादा गैप है। तो इस सूरत में फिर हमें सोफिस्टिकेटेड मशीन चाहिए उस रूरल लेबर जो हमारी माइग्रेट कर रही है अर्बन एरिया में, उसको रिप्लेस करने के लिए, तो वो हमारे पास नहीं। अच्छा सर, ये देखिए दूसरा मैं यहाँ पे आपको छोटी सी जी बात कर दूँ। हम यहाँ मुल्तान में हम बैठे हैं, इस इलाके की पहचान है आम, बिल्कुल ऐसे मैं को आम, आपने कभी इत्तफाक हुआ हो आम के बाग में जाने का और जब वहाँ फल तोड़ रहे होते हैं दरख्तों से, तो
तो आपने देखा होगा लिटरली डंडे मार के आमों डंडे को मार रहे नीचे होते हैं गिरा या रहे सीढ़ियां होते लगाए हैं। लगी होती हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हाँ, ऐसे, आपने बिल्कुल ऐसे, देखा होगा। और वो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है आम हाँ, वो डैमेज हो रहा होता और है जी, डैमेज हो रहा होता है, और बिल्कुल क्वालिटी उसकी अल्टीमेटली डिस्टर्ब उसकी क्वालिटी जो है डैमेज हो रही होती वो है डैमेज हो रही होती है। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म नहीं है कि हम हाथ से आराम से तोड़ सकें या कैंची के उसको साथ या कैंची जो के साथ मशीनरी है, क्लिप बिल्कुल करें। ठीक, ये इस तरह ये जितनी भी मिसालें देते जाएं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल वो दुरुस्त बात है। आगे लेकिन बढ़ती आपने जिस तरह जाएगी। बात की कि तो एक ट्रैक्टर, ये इस किस्म की मशीनरी तो हमने ट्रैक्टर मंगा लिया, ट्यूबवेल लगा लिया और एक कल्टीवेटर ले लिया और साथ एक ब्लेड ले और ली, ज़रात मुकम्मल और कर हमने दिया, कहा कि जी हम मैकेनाइज्ड हो गए। ये हमारे साथ अलमिया हुआ है। फिर वक्त के साथ साथ जैसे लेबर क्राइसिस आया तो ये मैकेनिकल हार्वेस्टिंग का रिवाज आया, कंबाइन हार्वेस्टर्स हमें चाहिए थे, हमारी वक्त की ज़रूरत थी। हमने स्क्रैप में से कंबाइन हार्वेस्टर उठा के बाहर से यहाँ ले आए, जो कंडम थी जो कंडम हो चुके थे, जो अपनी लाइफ खत्म कर चुके थे, ख़त्म कर चुके थे, वो जिनको स्क्रैप कर दिया गया था, वो स्क्रैप से उठा के यहाँ, और वो स्क्रैप हमने हार्वेस्टर काबिले इस्तेमाल बना दिए। उनको फिर काबिल इस्तेमाल करके तो उनसे चल रहे। उसका नतीजा क्या निकला? हमारा 10 से 20% हार्वेस्टिंग लॉसेस हो रहे हैं इन स्पेशली वीट हार्वेस्टर में, में, वीट में होता वीट है, बिल्कुल में, होता है, राइस में। राइस में होता है। अब ये और ये जो हार्वेस्टर्स हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं ये वीट स्पेसिफिक हैं। हाँ, इसको राइस पे अच्छा, लगा इसको देते हैं। हमने राइस पे भी लगा दिया। इसको अब राइस को, राइस आपको पता है कि उसकी क्वालिटी का प्रीमियम थोड़ा सा होता है, डैमेज हो गया, खत्म। थोड़ा सा डैमेज हो गया, हाँ, उसकी क्वालिटी चली गई, उसकी सीड के काबिल, एज ए सीड के काबिल, सीड, खाने के काबिल भी हाँ उसके, जी, बिल्कुल उसकी ऐसे है। इंटरनेशनल मार्केट में फिर उसकी प्राइस कम हो अच्छा, ये जाती। जो आपने सारी बात की, इस पर आप अब इकदाम कर रहे हैं, कोई जदीद मशीनरी आ रही अब है हमने इसका एक, देखें आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि एक ही दफ़ा ट्रैक्टर चलता है और चार काम करता है, इससे फ्यूल की बड़ी बचत हो सकती है। जी अगर गवर्नमेंट और आप फेडरल गवर्नमेंट को भी बताएं, अगर इस नहीं, तरह इस पे काम किसानों कर को रहे हैं, सब्सिडी इस पे दें, काम कर इस रहे पर हैं हम। सब्सिडी दें और उनको जदीद तरह ये आलात हमने दें। हमने दो दो काम करने की जा रहे हैं। एक तो हम जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनको एग्रीकल्चर मशीनरी पे इंसेंटिव्स दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ उन पे जो टैक्सेस लगते थे उनमें भी छूट दे उनमें रहे हैं। छूट दे रहे हैं। आप अगर एक जिमीदार अपने साथ वाले जिमीदार का ज़मीन पे हल चला लेता है और उससे पैसे ले लेता है तो उससे टैक्स नहीं कटता। नहीं करता, अगर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर इस फील्ड में एंटर होगा तो उस पे सर्विसेज पे टैक्स नहीं होगा, जीएसटी लगती है 16%। ठीक है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि उस पे टोकन 1% सब्सिडी अच्छा जीएसटी लगे, अच्छा 15% उसको डिस्काउंट करें, 15% जीएसटी छूट उसको दे दिए। माफ छूट दे दी, ताकि ये सेक्टर एक डेवलप हो जाए और वो सर्विस प्रोवाइडर मार्केट में आ जाए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हार्वेस्ट, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, प्रसियन एग्रीकल्चर के लिए हमें जदीद मशीनरी चाहिए। ये जदीद मशीनरी चूँकि है बहुत इसका महंगी मैकेनिज्म है, ऐसे बनेगा जिस तरह आप ये दे रहे बहुत हैं। महंगी है, और हमारे यहाँ आपको पता है 90% बल्कि 93% हमारा काश्तकार जो है ना वो छोटा काश्तकार है, हाँ, छोटा है और उसके बाद ट्रैक्टर भी नहीं और है, उसके उस पर उसको ज़रा ये आलात नहीं उसको है, ये मशीनरी रेंट पे लेनी पड़ती रेंट है, पे लेनी पड़ती है, खुद वो अफोर्ड नहीं नहीं कर करता। सकते, बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए हम जो इन्वेस्टर्स हैं बड़े, उनको हम ये इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, मशीनरी ले आएं। और हम बल्कि हमारी ये भी तजवीज़ है कि ये जो सेल टैक्स की मैंने बात की है ना, 16% से 1%, वो ये सर्विसेज पे आपको मालूम होगा कि सेल टैक्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स लेती है, तो ये तो हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही कर रही है। और उनकी इंपोर्ट पे जो टैक्स रियायत की है, छूट है वो फेडरल गवर्नमेंट रियायत करेगी, है, वो फेडरल गवर्नमेंट ने देनी है। और कल भी हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये मीटिंग करके
हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्पोर्ट में भी छूट मिल जाए। छूट मिल जाए, बहुत अच्छा इकदाम है आपका ये, और ताकि एक दफ़ा ये सेक्टर खड़ा हो जाए, और वो जब ये मार्केट में आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा, तो वो फिर इस पे जदीद मशीनरी जब अवेलेबल होगी, आम किसान आप तक पहुंचेगी। आप यही यही अंदाज़ा कर लें, मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये हार्वेस्टर से 10 से 15% 10 से 20% नुकसान होता है, नुकसान होता है। तो अगर 20% ना ही हो, 10% को ही बचा लिया जाए तो आप देखेंगे टोटल वॉल्यूम जो जहाँ हमारी गंदम पंजाब की 17-18 मिलियन टन होती है, ये 20 मिलियन टन होती है, उसमें आप 2 मिलियन टन और डाल दें, उसमें आप 20 मिलियन टन में 2 मिलियन टन और डाल दें, इसका इजाफा हो जाएगा। अच्छा सर, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, गंदम के हवाले से बता दिया, ज़रूरी आलात और जदीद टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है, यकीनन इसका आम किसान को फ़ायदा पहुंचेगा। लेकिन इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा मसला है किसान का और स्पेशली पाकिस्तान की मईशत का, कपास हमारी मेजर क्रॉप थी, वो वक्त के साथ आपने ख़ुद भी कहा कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही, उसका नुकसान ये हुआ कि गंदम ही हमारी डैमेज हो गई और हमारी जो मईशत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं वो भी आए साल बढ़ते जा रहे हैं। इस पर आप क्या पॉलिसी ला रहे हैं, गन्ने को प्रमोट यहाँ किया गया, दूसरी फसलें यहाँ प्रमोट हो रही हैं, कपास जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, जिस तरह अब इस साल देखें 1.60 करोड़ से अब 60 लाख पे आ गए हम, तो ये एक बड़ा एक फ़र्क है और बड़ा नुकसान है, इस पर आप क्या इकदाम कर रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जैसे मैंने शुरू में कहा था ना कि ज़िरात पाकिस्तान की माशियत की रीढ़ की हड्डी है, इसी तरह मैं कहा करता हूँ कि कपास ज़िरात की रीढ़ की हड्डी है। ज़िरात की, बेशक, बिल्कुल, कोई शक। और कपास जो है, बचपन में स्कूलों में भी हमें पढ़ाया जाता था, सफ़ेद सोने का नाम दिया जाता था, वाइट गोल्ड इसको कहते हैं जी, वाइट गोल्ड इसको कहा जाता था। तो कपास की हमारी माशियत में बहुत बड़ा एक रोल है। मैं कपास जब चुन ली जाती है, जो पीछे उसकी ये छड़ियाँ बचती हैं, अगर उन्हीं की वैल्यू लगा लें ना फायरवुड के तौर पे, बिल्कुल ऐसे, तो वो भी अरबों में, जाती अरबों है में, बिल्कुल ऐसे। और उससे फिर आगे चलते जाएं ये रूरल इकोनॉमी में आम आदमी की रोज़गार इससे मुंसलिक है, और ये इस तरह से इसका इफेक्ट आता है। जब जिस ज़माने में कपास, अब तो कपास ना होने वाली सिचुएशन हो गई है ना, आज से 10 साल पहले अगर आप लाहौर लिबर्टी मार्केट के किसी दुकानदार के पास जाते थे तो वो बता देता था कि इस साल कपास अच्छी हुई है, मेरी सेल ज़्यादा हो रही है। सेल ज़्यादा हुई, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त है, उसके असरात हर आदमी तक पहुँचे, हर आदमी तक, आम आदमी से लेके बड़े आदमी तक तजारत करने वाले तक, कारोबारी बंदे तक पहुँचते थे। दूसरा, इसका वैल्यू चेन बहुत बड़ा है, और इसमें पिकिंग से लेके जिनिंग, वीविंग, सराम मजदूर से लेकर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक, और फिर इंपोर्टर एक्सपोर्टर तक, उसके बाद वैल्यू एडिशन गारमेंट इंडस्ट्री तक इसकी वैल्यू एडिशन होती चली जाती है, और फिर हमारी एक्सपोर्ट का आज भी, पहले भी ऐसे ही था और ये रेशो आज भी वैसे ही है कि 60% हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से हासिल करते हैं। बिल्कुल ऐसे, और इसलिए कपास हमारे लिए बहुत अहम है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कपास के साथ हमने बहुत ज़्यादती की है। पुराने ज़माने में, पहली बात, पुराने ज़माने में जोनिंग हुआ करती थी कि फलां जोन क्रॉप के लिए, जी सर, और वो साइंटिफिकली वो जोनिंग जो थी ना वो बहुत अहम थी, बिल्कुल ठीक, क्योंकि चावल के वो लिए पंजाब का है, वो एक अपर पंजाब के 11 डिस्ट्रिक्ट जो अब उनमें से मजीद डिस्ट्रिक्ट बन गए हैं और वो अब 16-17 डिस्ट्रिक्ट बन गए, उन में मखसूस किया जाता था। फिर उसकी सोइंग जो है उसके लिए भी एक टाइम मखसूस होता था कि मानसून सीज़न इस वक्त में सोइंग की जाए
जब मानसून, क्योंकि चावल को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, तो मानसून सीज़न में वो बिल्कुल ऐसे गन्ना सेंट्रल पंजाब में महदूद किया गया, बिल्कुल ठीक है, और कपास को अब साउथ पंजाब में महदूद किया गया। तो इससे ये जो इन क्रॉप्स के लिए इकोलॉजिकल जोन्स ज़्यादा मौजूं हैं, उन्हीं में इनको लगाया जाता था। पहला जुल्म ये हुआ कि जोनिंग ख़त्म हुई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और कपास को दीवार के साथ लगा, दीवार के साथ लगना की बड़ा कंप्लीट, गन्ने को प्रमोट किया गया, गन्ने के, गन्ने ने आके कपास को बैक बर्नर पे डाल दिया। आप क्या समझते हैं गन्ने को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत लाया गया, क्या किया गया? लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है ना, कुछ फसलात ऐसी हैं जिससे इंडिविजुअल्स को, उस फसल को लगाने वाले को हो सकता है ज़्यादा फायदा हो, और उस फसल को खरीदने वाले को हो सकता है ज़्यादा फायदा हो, लेकिन मुल्क को उसका फायदा, मुल्क की मईशत पे या मुल्क को उसका फायदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। गन्ना, मैं यहाँ पे एक बात ख़ास तौर पे करना चाहता हूँ, कोई भी आप इंटरनेशनल ट्रेड का कोर्स करें या इंटरनेशनल ट्रेड को एज ए सब्जेक्ट पढ़ें, तो उसमें एक बुनियादी प्रिंसिपल पढ़ाया जाता है जिसको लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज कहा जाता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का मकसद है कि जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में आपको कंपैरेटिव एडवांटेज है, आपकी कॉस्ट कम आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से, तो आप उस प्रोडक्ट पे जोर दें, और जिस प्रोडक्ट पे आपको कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है और आपको इंटरनेशनल मार्केट में कंपैरेटिवली वो आपको सस्ता मिल सकता है, तो आपको यहाँ जोर लगाने, उस पे जोर लगाने पे और एक्स्ट्रा रिसोर्स उस पे खर्च करने की बजाय उसको मंगा लें और वो चीज़ें पैदा करें जो यहाँ आपको सूट करती हैं, जो जो इंटरनेशनली आप ये एक फायदा उठा सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड का बुनियादी असूल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हमारे यहाँ इसको फॉलो नहीं किया गया, अनफॉर्चुनेटली। इसको फॉलो किया जाता तो कपास पे ही हम तवज्जो देते और टेक्सटाइल में और इसकी वैल्यू एडिशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जाते। और यहाँ पे जैसे साउथ पंजाब में शुगर मिलें लग गई, शुगर मिलों की भरपाई कॉटन एरिया में सारे लग गए, कॉटन एरिया में, तो उसमें कॉटन एरिया ख़त्म होता गया। आप फिगर्स उठा के देखें तो वो रिप्लेस होता गया शुगर केन के साथ। तो उससे शुगर एक ऐसी है, आप भी अखबारों में पढ़ते होंगे, आप खबरों में भी सुनते होंगे कि शुगर जब भी एक्सपोर्ट करनी पड़ी है हमें सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट करनी पड़ी है। बिल्कुल ऐसे है। और इसका मतलब ये है कि आप ये चीनी जो है बाहर के मुल्क के जो कंज्यूमर है उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं, ना कि अपने मुल्क के कंज्यूमर, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं, उनको फायदा पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपका पैसा लूज हो रहा है वहाँ पे, जबकि कॉटन या टेक्सटाइल में हमें हमेशा हमने फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया है, और इसमें मजीद वैल्यू एडिशन कर दें तो और ज़्यादा फायदा हो सकता है। आप बांग्लादेश की मिसाल लें, वहाँ तो कपास नहीं होती लेकिन उनकी गारमेंट इंडस्ट्री आपकी टोटल एक्सपोर्ट से बढ़ी, सिर्फ गारमेंट्स, बिल्कुल ऐसे गारमेंट एक्सपोर्ट जो अभी हमारे फैसलाबाद में भी ऐसे हो रहा है। आप देखें, हमारी अपनी कॉटन नहीं है लेकिन हमारा ये जो है ना, अब अल्लाह के करम से और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब की टेक्सटाइल सेक्टर पे जो तवज्जो हुई है और उन्होंने उनको जो फैसिलिटीज़ दी हैं, कुछ रिबेट्स दिए हैं, कुछ बिजली के रेट्स में कुछ उन्हें सहूलत दी है, और फिर साथ साथ ये अब हमारी टेक्सटाइल चल पड़ी है, इंटरनेशनली ऑर्डर भी हमें मिल गए हैं, और ये कोविड की वजह से जहाँ और ममालिक में इंडस्ट्री बंद हो गई, हमने जो पार्शल लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई तो इसलिए हमें उसका भी फ़ायदा हुआ, ज़्यादा हमें ऑर्डर्स मिल गए हैं एक्सपोर्ट। बिल्कुल ऐसे। लेकिन मिस्टर साहब, अगर कितना अच्छा होता कि अगर ये कॉटन भी हमारी अपनी होती, ये तो हाँ, कॉटन इससे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। दो से तीन अरब डॉलर जो हम कॉटन ख़रीदने पर लगा रहे हैं वो हमें ना लगाना पड़ता,
वो बहुत हमारे अपनी लोकल प्रोडक्शन लोकल प्रोडक्शन होती है, और उसके साथ जैसे मैंने बताया ना, उसके साथ हमारा बिनौले से जो ऑयल निकलता आयल, है जी सर, बिल्कुल। वो भी हमारे ऑयल पर हम एक भारी रकम खर्च करते हैं और मंगवाते हैं। पेट्रोलियम के बाद सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बिल्कुल जो रकम खर्च होती है वो ऑयल पे वो होती एडेबल ऑयल पे है, खर्च होती बिल्कुल है। ऐसे ही। तो ये वो तेलदार इजनास पर भी आपकी कोई पॉलिसी है जी सर? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक पैकेज चल रहा है तेलदार अजनास पे, और ख़ास तौर पे जैसे सूरजमुखी है, सूरजमुखी पे हम जो काश्तकार 1 एकड़ सूरजमुखी काश्त करता है उसको 5,000 रुपया एज ए ये सब्सिडी या गन्ने पर भी देते सपोर्ट, थे हम, गन्ने पर भी गन्ने पर भी। देते थे। ये वो तो खैर देना चाहिए या नहीं देना अच्छा चाहिए सर, वो मिनिस्टर साहब देखें, इस पर भी आपको जरूर वजीर आजम साहब को भी बताना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह आपने बात की, एक गन्ने की वजह से हमारी गंदम डिस्टर्ब हो गई, गंदम की शॉर्टेज आ गई, और चीनी भी हमारी पूरी नहीं हो रही, उसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। फिर सबसे बड़ा नुकसान हमारी कपास को भी हो गया कि कपास भी ख़त्म हो गई, एक गन्ने की वजह से गंदम भी डिस्टर्ब हो गई। और आपकी जिस तरह आपने कहा कि ऐसे प्रोडक्ट को बाहर से मंगवाना चाहिए जिस पर कास्ट कम आए और ज़्यादा हम यहाँ से प्रॉफिट कमा सके, इस तरह की कोई पॉलिसी पर आप काम कर रहे हैं? जी जी अब काम कर रहे हैं। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने खसूसी तौर पे मीटिंग्स ली हैं, और अब बल्कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो 15 दिन बाद एक मीटिंग दिया करेंगे रिव्यू करने के लिए। और अभी उन्होंने जो एग्रीकल्चर पैकेज डेवलप हो रहा है उसके मुताबिक काम करने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन, मैंने शुरू में बात की थी ना कि कहने को तो हम कहते हैं ज़रात रीढ़ की हड्डी ज़रात है नहीं है, लेकिन और अमल कोई मैंने नहीं अमल होता। नहीं होता था, हम पहले भी पिछले अदवार में भी एग्रीकल्चर की रिपोर्टें हम लिखते रहे हैं, मैं उन कमेटीज़ का हिस्सा रहा हूँ जो एग्रीकल्चर पे रिपोर्ट्स लिखते थे, लेकिन वो रिपोर्ट्स अलमारियों की कागज़ों की जीनत हद तक बनती होती है, थी, अलमारियों की जीनत बन जाती थी वो अमल रिपोर्ट्स, कभी नहीं हुआ। अमल अब नहीं आप होता। पुरुमीद हैं, अब ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जैसे कहा है कि वो 15 दिन बाद एक मीटिंग दिया करेंगे और प्रोग्रेस देख रिव्यू एग्रीकल्चर करेंगे पे एग्रीकल्चर पे। अगर ये सिलसिला इसी तरह चला तो ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार होगा कि ज़राअत पे सही मानों में तवज्जो दी जा रही है, अच्छा, ये बड़ा अच्छा इकदाम है और वजीर ये आजम साहब बहुत का। बड़ा इकदाम है वज़ीर आज़म साहब का। अच्छा सर, जिस तरह कपास की आपने बात की कि कपास कम से कम होती गई और बहुत फर्क आ गया, हाँ इसमें जहाँ हम गन्ने को देखते हैं, अब गन्ने के जो काश्तकार हैं उनको इस साल गन्ना बड़ा एक फायदा हुआ है। फैक्टर है ना, गन्ना अच्छा, एक इसके फैक्टर अलावा मैं है। अगर आ गया तो गन्ना फैक्टर है, फिर अगर मकई पे चले जाएं, मकई के काश्तकार को बड़ा पैसा बच रहा है, चावल वाले को बच रहा है। जी ये कपास की तरफ लोग इसलिए भी नहीं जा रहे हैं कि हमारी रिसर्च खत्म हो गई है, जी हमारे आपकी बात ब्रीडर जो बिल्कुल है, बिल्कुल सही है। ये मैंने बहुत सारे फैक्टर जैसे हैं, जैसे इसके लिए आप क्या इकदाम कर रहे हैं वो जैसे हमारे आपने नाजरीन को कहा है बताएं। ना, ये आपने बिल्कुल बजा कहा है, और मैं वही कह रहा हूँ कि कपास के प्रोडक्शन कम होने में जो गन्ने का रोल है वो एक फैक्टर है, एक फैक्टर है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा फैक्टर ये है कि हमने अपनी एग्रीकल्चर रिसर्च को मॉडर्नाइज नहीं किया। एग्रीकल्चर रिसर्च की तो हालत ये थी कि हमारा जो 70s वाला सीड एक्ट, सीड एक्ट था वो चल रहा था, और वक्त के साथ 2015 में सीड एक्ट अमेंड किया गया, और वो ज़रई माहरीन की मशरावत के साथ उसमें जो इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनकी मशावरत के साथ जो आज के मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसमें बुनियादी बात एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको हम ब्रीडर्स राइट कहते हैं उसकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी थी उसमें सीड में एक्ट में, और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक तब्दीलियां करने की ज़रूरत थी। हमने जो 2015 में सीड एक्ट अमेंड किया उस पे अमल दरामद 2020 तक नहीं हुआ, और मैं आज आपको बड़े फख्र से मतलब खुशी महसूस करता हूँ ये बताते हुए कि आज से कुछ 50 साल अरसा बाद, पहले, हाँ तकरीबन तकरीबन, 70 के कि बाद अब वो सीड एक्ट जो जिस पे अमल दरामद नहीं हो रहा था, एक मीटिंग में मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की तवज्जो इस तरफ दिलवाई थी,
और उन्होंने इस पे खासा नोटिस लिया। फिर उनके ये अभी मीटिंग हुई आपके जी प्राइम कुछ, मिनिस्टर हाँ जी? कुछ अर्सा पहले, कुछ हफ्ते पहले, दो दो तीन हफ्ते। तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई कि उसके मीटिंग के 2 दिन बाद प्राइम मिनिस्टर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी का मुझे फ़ोन आ गया कि आप बताएं उसके बारे में क्या क्या करना है और किस तरह। और वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से इस इशू को परसू किया। उसका नतीजा है कि वो सीट सीट एक्ट उनके पास रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री का वजूद आ गया, उस पर अमल दरामद होना शुरू हो गया है, और इंशाल्लाह ब्रीडर राइट मिल गए, ब्रीडर राइट्स राइट्स भी मिल मिल गए उनको। जाएंगे। और जब ब्रीडर राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे तो फिर आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सी रिसर्च में यहाँ पाकिस्तान में आएंगी और पाकिस्तान अपना में बिल्कुल आएंगी इन्वेस्टमेंट और करेंगी इन्वेस्टमेंट करेंगी और और जदीद उसका टेक्नोलॉजी जदीद लेके आएंगे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास लेके नहीं है। आएंगी। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है। मिनिस्टर साहब बड़ी अहम आपने बात की है। देखिए, पाकिस्तान बनने से अब तक हम खड़े ज़राअत पर हैं, लेकिन सीड हमारे पास ना वेजिटेबल का है, देखें, ना फ्रूट का वेजिटेबल है, का ना सीड हमारे की पास। तो हालत नहायत ही शर्मनाक है। हम इंडिया से मंगाते हैं, चाइना से हम मंगाते हैं। इंडिया से मंगाते थे, और इंडिया से तो वैसे ट्रेड, हम एग्रीकल्चर ट्रेड करते रहे ना जी, आलू इंडिया से मंगा लो, टमाटर इंडिया से मंगा लो, फलां चीज़ इंडिया से उससे मंगा हमारे लो, किसान को नुकसान होता उससे, था। क्योंकि इंडिया में एग्रीकल्चर बिल्कुल सब्सिडाइज्ड है, वहाँ पे बड़ी हैवी सब्सिडीज मिलती है एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो हमारा किसान उनका उनका मुकाबला नहीं कर मुकाबला सकता। नहीं कर सकता था कॉस्ट में। यहाँ इंडिया से जब ये सब्जियां मंगानी शुरू की तो हमारे यहाँ टनल फार्मिंग जितनी शुरू हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई। सस्ती चीज आ रही थी, यहाँ की सस्ती चीज चीज़ आ मिलती रही नहीं थी थी। वो, और वो उनके लिए अफोर्डेबल ही नहीं थी हमारे बिल्कुल ठीक कह रहे फार्मर हैं। के लिए। ये अब ट्रेड बंद होने जब से हमारा वेजिटेबल का जो ट्रेड काश्तकार है बंद है, उसको फायदा हुआ और है। यहाँ पे देखें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया से हम एंड प्रोडक्ट तो मंगा रहे हैं, आलू मंगा रहे हैं, टमाटर मंगा रहे हैं, ये इन चीज़ों को उगाने के लिए जो मशीनरी इंडिया के पास है वो नहीं जो आती, हमारे पास नहीं है उसको मंगाने पे बिल्कुल पाबंदी, ठीक है। और जो फर्टिलाइजर हमको सस्ती मिलती है वो भी नहीं आ सकती, जो फर्टिलाइजर ठीक कह सस्ते, रहे हैं। अच्छा लेकिन एंड प्रोडक्ट हम मंगा रहे हैं, ये हम जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा है वो इधर जो भेज देते वो हैं, इधर भेज देते थे ज़रूरत से ज़्यादा। इसका मैं फायदा हुआ किसान को। पिछले दिनों ही एक क्लिप देख रहा था, वो इंडियन काश्तकार आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जी वो हम पाकिस्तान मटर भेजते, वो मटर पे बात कर रहे थे, पीस पे, जी ठीक है। तो कि हम मटर भेजते थे, हमारी इतना प्रॉफिट नहीं, इतना ज़्यादा था, अब हमारी मटर के खपत खरीदार कोई इससे, नहीं है। ख़रीदार उस तरह नहीं रहे। तो ये उससे हम अपने लोकल प्रोड्यूसर को क्रश कर रहे थे वो ऐसी बिल्कुल पॉलिसी ठीक कह थी। रहे हैं आप, बिल्कुल। तो अब हम चाहते हैं कि हम लोकली अगर सेल्फ सफिशिएंसी लेनी है फूड में तो फिर हमें ये लोकल ग्रोअर को इनकरेज करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा। और उसको हमें इस तरह के वायबल करना पड़ेगा कि वो उस पे टैक्सेशन का बोझ ना हो। अच्छा, आपने ज़रात का कलमदान संभाला, ये जो महकमा ज़रात है, आप समझते हैं कि छोटे किसान की रहनुमाई करता है और प्रॉपर जो जदीद टेक्नोलॉजी दुनिया में है या पाकिस्तान में आ चुकी है जो अभी तक भी आम किसान तक नहीं पहुंची, इस पर आप कोई पॉलिसी मरतब कर रहे हैं ताकि आम जो छोटा किसान है उसको भी नई चीज़ों का, जदीद टेक्नोलॉजी जी का पता यहाँ चले? पे ज़िरात का जो महकमा एक्सटेंशन है ना, उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो नई रिसर्च है, जो नया बीज है, उसको काश्तकारों तक पहुँचाए और काश्तकारों को आगाही दे। उसमें 2 मसले हैं। एक तो हमारा जो वर्कर है, हमारा जो एक एक्सटेंशन वर्कर है, उसके लिए जो उसको एरिया हम दे देते हैं, एक तहसील में एक एग्रीकल्चर अफसर सर मैं ही लगा बात करने वाला देते था, एक यूनियन काउंसिल में एक अगर आपका फील्ड अफसर है तो वो कैसे जाएगा? तो क्या आप नहीं समझते कि इसमें हैं। रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है? देखिए इसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, ये इसी क्योंकि ये टॉपिक पे पुराना मैं आ स्ट्रक्चर रहा चल हूँ, रहा है कोई इसी टॉपिक पे मैं आ रहा हूँ कि हमारे लिए एक तो मसला ये है कि उससे एक देखे ना, एक अगर गधे पे उतना बोझ ला वजन देंगे ज्यादा ना डाल दें। बिल्कुल ठीक कि है। जितना वो उठा सकेगा, अगर उसके
बिल्कुल ऊँट ऐसे, ऊँट के तो वो बराबर का कहीं नहीं वजन पहुंच डालेंगे सकेगा। तो वो नहीं उठा सकेगा। तो ये हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्कर पे एक तो एक तरफ वजन ज़्यादा है, हमें ज़्यादा वर्कर चाहिए, और अभी भी जो सेंक्शन पोस्ट है हमारी वो खाली वो पड़ी है, आधी खाली पड़ी खाली है, पड़ी है, आधी खाली पड़ी बिल्कुल है। ऐसे है। तो ये ऑस्टेरिटी ड्राइव में, चूंकि मैंने शुरू में कहा था ना एग्रीकल्चर नेगलेक्टेड एरिया है, ऑस्टेरिटी ड्राइव का फिर वो नेगलेक्टेड एरियाज पे ज़्यादा असर पड़ता है, जो वैसे एरियाज आप हाईलाइट इसको हुए रिफॉर्म से होते पहले अगर इसको किसी एक हैं। आध एरिया को, जिस तरह आप क्राप जोन कह रहे नहीं, हैं, प्राइवेट सेक्टर को देकर देखें, शायद जी इसमें जी बेटर हम है। प्राइवेट सेक्टर को भी एक्सटेंशन सर्विस में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। अच्छा, हम आप एक नया मॉडल बना रहे हैं, और उसके और गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करेंगे। और अब हम टारगेट ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, और उससे हम ताकि रिजल्ट बेहतर ले सकें। ठीक है। और अच्छा, ये आपने एग्रीकल्चर पे भी बात हो गई, मकसद है आप रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ये एक अच्छी खबर है हमारे किसानों के लिए, छोटा किसान है उसके लिए एक अच्छी खबर है कि आप महकमा ज़रात में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। अब यकीनन ज़राई माहरीन वहाँ तक भी पहुँचेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी देंगे। पंजाब की रिसर्च पर मैं बात करूँगा, जो ज़राई तहकीक जी, है, ज़राई रिसर्च तहकीक कॉटन के अलावा, कॉटन की आपने बात कर दी, इसके जी, अलावा कॉटन तहकीक भी के और लिए। दूसरी वैराइटीज़ भी जो हैं। तहकीक इस तरह होती है, हमारे जो पुराने लोग थे ना, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, हमारी ज़राअत ने कोई इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया। आप देखें ना, हमारी आबादी जो एक ये तूफान कितना आया, बिल्कुल ठीक है, है, 47 में 3 करोड़ के करीब थे, आप 22-25 करोड़ पे अब हैं, 22 करोड़ हैं, जो 7 गुना से भी ज़्यादा ज्यादा हमारी ग्रोथ हो गई है। तो इन हालात में ज़रई पैदावार में भी तो साथ साथ इजाफा हुआ है इजाफा हुआ है, जो जो इनको फीड कर रहे इनको हैं, जो फीड कर बाईस रहा है। पच्चीस अगर करोड़ को फीड कर रहे हैं। अगर 7 गुना आबादी बढ़ी है तो ज़रई पैदावार भी 7 गुना बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, इसमें कोई शक नहीं, ना, बल्कि ज़्यादा लेकिन बढ़ी है। लेकिन अब अगर हम लेकिन देखें, लेकिन इसमें लेकिन इसमें अभी भी एक इशू है। आज भी हम ओवरऑल 7 अरब डॉलर की एडिबल इंपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया लम्हे है। फिक्री है, बिल्कुल ऐसे है। और एक ज़राई मुल्क है, इसी वजह से महकमा ज़राअत पे हर्फ आता है, और वो कहा जाता है कि उसने अपने रिसर्च में पूरी तरह, दो बातें इसमें कुछ महकमा ज़राअत की तरफ से भी मैं कहूँगा कि कोताही है। उस कोताही है, मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को। और दूसरी बात यह है कि प्रायोरिटी भी नहीं थी हकूमतों की, तरजीहात में शामिल नहीं था, तरजीहात में भी नहीं शामिल शामिल नहीं था, थी, बिल्कुल नहीं ऐसे है। शामिल था। तो अब आप समझते हैं कि अब मैं छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, मैं आपके यही मुल्तान की, बल्कि ये आपका जो मुल्तान का PTV स्टेशन है, इसके दोनों तरफ, सामने फेडरल सामने गवर्नमेंट है, पीछे पंजाब गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल। सामने जो फेडरल गवर्नमेंट का इतना बड़ा कपास का इंस्टीट्यूट है, उसको पिछले 5 साल से कोई फंड नहीं मिला। तनख्वाहें नहीं मिली सर, फंड्स को फंड छोड़ें, फंड होगा तो तनख्वाहें तनख्वाह नहीं मिली मिलेगी। सर। देखें, पिछले पाँच वो अब ये चलता था इदारा कॉटन सेस पे, कॉटन पे जो सेस लगती थी, बिल्कुल ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर वाले वो वो इनको अपटुमा तनख्वाहें अपटुमा देते। वाले सेस देते थे, और उससे ये इदारा चलता था। पिछले 5 साल से एक स्टे ऑर्डर की बुनियाद पे अपटुमा वाले वो सेस वाला फंड दे नहीं दे नहीं रहे, रहे, और उसका नतीजा है कि वो इदारा बंद पड़ा है, उसमें ताले लगे हुए हैं। जब शुरू शुरू में लीफ कर्ल वायरस आई कपास तो पे इन्होंने लगने वराकियां शुरू बनाई, हुई, ठीक है। अब तो 10 लीफ कर्ल वायरस रेजिस्टेंट वैराइटीज सबसे पहले CCRI ने CCRI ने दी थी, मुतारफ कराई, बिल्कुल मुतारफ ऐसे। कराई थी, और अब वहाँ काम नहीं हो रहा, नहीं क्योंकि तो इस पैसे पर नहीं। आप अब देखें, इसमें हमने तो हमारी तो बड़ी सिंपल तजवीज़ है कि जो भी सेस गवर्नमेंट ने लेनी है वो गवर्नमेंट जाने और अपटुमा जाने, इन इदारों को फंड्स दें, फंड तनख्वाहें दें, गवर्नमेंट जो है इंडिपेंडेंटली फंड करे,
और इनकी इनमें रिसर्च तो आपने इनके लिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा है जी, रिकमेंडेशंस हमने यही क्योंकि फेडरल मिनिस्टर इकट्ठे हैं तो इसका फायदा होना चाहिए, यही यही रिकमेंडेशंस हमने दी है ना। अच्छा, कि ये सेस्क से डायरेक्टली इनको फंडिंग ना की जाए, बल्कि ये सेस जो भी गवर्नमेंट ने चार्ज करनी है गवर्नमेंट चार्ज करे ऑप्टिमल से, और इनके लिए इंडिपेंडेंट बजट लाइन होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो फेडरल गवर्नमेंट की, मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करूँ, और इस तरह यहाँ पर मैंगो रिसर्च है मुल्तान में, इस तरह हमारा कॉटन रिसर्च भी है, इस तरह भागलपुर में आपका डेट रिसर्च है, इसकी फंडिंग की और इसकी क्या सूरत हाल है और कितने परसेंट आप दे रहे हैं और रिसर्च पर कितनी आपकी इस वक्त कितनी तरजीह है? देखिए, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के हिसाब से बनते हैं ना। रिसर्च का हमारा हाल ये था, मैं आपको बता देता हूँ कि पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड है जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स अप्रूव करता है और मुख्तलिफ इदारों को फिर वो रिसर्च प्रोजेक्ट्स अलॉट किए जाते हैं। पिछले कई सालों से पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड था ही नहीं। अच्छा, जब उसकी टर्म एक्सपायर हुई तो उसके बाद नया बोर्ड बना ही नहीं, पुराना बोर्ड डिसॉल्व हो गया। अच्छा, उस बोर्ड का जो पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो पिछले कई सालों से नहीं था। बिल्कुल ठीक है। और अभी हमने कोई 2 माह पहले बोर्ड बनाया, चीफ एग्जीक्यूटिव उसका तैनात किया है और अब बोर्ड बनाया, अब बोर्ड बनाया है और इंशाल्लाह एक ज़राई मुल्क किस तरह ऐसे सर्वाइव करेगा जब इस तरह के अहम चीज़ें नहीं होंगी? इस तरह के अहम डिसीजंस अगर नहीं होंगे तो फिर तभी अंदाज़ा होता है ना कि माजी में रिसर्च इसलिए नज़रअंदाज हुई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ही नज़रअंदाज किया गया। बिल्कुल की, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू की। नाज़रीन, हुसैन झाने गदीर साहब वज़ीर ज़राअत हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बड़े तफसीलन गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ज़राअत में किस कदर दिलचस्पी ले रहे हैं। इस हवाले से वो ख़ुद भी बड़े पुरउम्मीद हैं क्योंकि वो वज़ीर के साथ साथ एक किसान भी हैं। यकीनन इस मुल्क में अब ज़राअत बेहतर होगी, किसान खुशहाल होगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।